अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन, कराची के प्लेटफॉर्म से। आज मैं बेसिकली जिस मोटिव पे बात करने जा रहा हूँ कि इस टाइम अगर हम बहरिया टाउन कराची के अंदर बाइंग करने जाएं तो हमें कौन कौन सी लोकेशंस जो है कम प्राइस के अंदर देखने को मिलती हैं, और एक कंपैरेटिव वीडियो बनाने जा रहा हूँ पिसन 34 और पिसन 33 की। पिसन 34 की अगर मैं बात करता हूँ तो पिसन 34 के अंदर हमें 250 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सेम एज़ अगर हम बात करते हैं पिसन 33 की, तो पिसन 33 जो कि ओल्ड बीटीके का आखिरी पिसेंट है, क्योंकि ओल्ड बीटीके के अंदर 33% है और ये उसका आखिरी पिसेंट बनता है जो कि स्पोर्ट्स सिटी के अंदर कंसीडर एक तरह से किया जा रहा है। ये पिसेंट 34 के साथ बिल्कुल लगने वाला पिसेंट है। पिसेंट 33 के अंदर हमें 500 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, और लोकेशन वाइज दोनों की लोकेशन बहुत ही प्राइम है, नो डाउट। एक प्राइम लोकेशन पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के सराउंडिंग के अंदर हमें ये पिसेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है प्राइस, क्योंकि जब भी हमने यहाँ पे बाइंग करनी है तो हमें इस टाइम ये प्राइसेस देखनी है कि इस टाइम यहाँ पे क्या प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे एक जो मतलब अजीब चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि यहाँ पे अगर हम प्राइस रेंज देखते हैं तो दोनों की प्राइस रेंज के अंदर बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, तकरीबन 10 से 12 लाख का, वो भी नहीं। अगर हम अच्छा प्लॉट पिसन 34 के अंदर लेने जाते हैं तो वो भी तकरीबन हमें 110-115 तक का ही मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम मिनिमम प्राइस की बात कर लेते हैं पिसन 34 की, तो पिसन 34 के अंदर जो हमें इस टाइम प्राइसेस देखने को मिल रही है अराउंड 80-85 लाख का कम से कम प्लॉट मिल जाता है, और मैक्सिमम अगर हम प्राइस देखते हैं तो हमें मैक्सिमम तकरीबन 115-120 लाख तक भी प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं एज़ पर प्लॉट लोकेशन, वो कॉर्नर, कैटेगरी, पार फेसिंग। मैं इसके अंदर ये चीज़ लाजमी मेंशन करता हूँ कि हम जो मिनिमम प्राइस जो है बता रहे होते हैं आपको, इसके अंदर ये बैक कमर्शियल प्लॉट भी आ जाता है, डेप्थ का प्लॉट भी आ जाता है, उसके बाद बिल्कुल पिसन के एंड वाला प्लॉट, ऐसा प्लॉट जो कि बिल्कुल पिसन की एंडिंग पे बन रहा होता है, तो इनकी प्राइसेस हमें कंपैरेटिवली जो शुरू वाले प्लॉट्स हैं, जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। तो आज ये कंपैरेटिव वीडियो बनाने का मकसद कि हम जब बाइंग करने जा रहे हैं तो हमें सेम बजट के अंदर, सेम प्राइस के अंदर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लैंड का, मतलब 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट जो है आपको सेम लोकेशन पे, क्योंकि हम लोकेशन अगर देखते हैं तो इसकी लोकेशन के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, हमें सेम लोकेशन पे बन जाते हैं। आपको पिसन 34 और 33 अगर आपने ऑन साइट विजिट किया है आप देखेंगे। अच्छा, पिसन 33 के अंदर कुछ लोकेशन ऐसी भी हैं जो कि बिल्कुल बैक साइड पे हैं, उसके अंदर हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्ट करना मतलब हमें मुनासिब प्राइस के अंदर मिल जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा दूर हो जाता है, और उसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, कुछ प्लॉट्स ऐसे आ जाते हैं जो कि अभी रेडी नहीं हुए, वो अभी उसकी डेवलपमेंट का काम जो है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। इसकी डिस्टेंस आप सबको पता है, लेकिन मैं इसके अंदर मेंशन कर देता हूँ, मेन गेट से तकरीबन इसका अराउंड 18-20 किलोमीटर्स का डिस्टेंस मेन गेट से बन जाता है, और एक अगर आप ट्रैवल वीडियो या फिर ट्रैवल टाइम जो है वो कैलकुलेट करते हैं तो आपको तकरीबन 12-15 मिनट का टाइम जो है वो मेन गेट से पिसन 34 या पिसन 33 या पिसन 35 जो कि स्पोर्ट्स सिटी विलास हैं वहाँ पर जाने का लगेगा। अब यहाँ पे अगर हम पिसन 36 को देख लेते हैं तो उसके अंदर भी हमें एज़ कम्पेयर टू पिसन 33 थोड़ी सी प्राइसेस इंक्रीज देखने को मिलती है, लेकिन लोकेशन वाइज वो बहुत ही प्राइम लोकेशन है। वहाँ पे अगर लोकेशन को देखते हैं तो मेन जना एवेन्यू के ऊपर स्पोर्ट सिटी विलास के बिल्कुल फ्रंट पे जो हमें प्लॉट्स देखने को मिलते हैं, हम स्पोर्ट सिटी विलास के अंदर एंटर होते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट साइड पे जो प्लॉट्स देखने को मिल रहे हैं वो बेसिकली पिसन 36 के प्लॉट्स हैं, जिसको अगर हम मार्केट के अंदर देखते हैं तो इसका काम बहुत कम चल रहा है, लेकिन लोकेशन वाइज ये लोकेशन बहुत ही प्राइम है। इस वीडियो को बनाने का मकसद आपके साथ एक कंपैरेटिव लोकेशन वाइज एक प्राइस रेंज शेयर करना कि हमें सेम प्राइस के अंदर सेम लोकेशन पे हमें एक कैटेगरीज देखने को मिल रही हैं, और अगर हम उनकी प्राइसेस देखते हैं तो हमें सेम प्राइस के अंदर कैटेगरी डिफरेंट मिल जाती है और अच्छी लोकेशन का प्लॉट इजीली मिल जाता है। तो आप बाइंग करना चाह रहे हो 500 स्क्वायर यार्ड की, 250 स्क्वायर यार्ड की, या अपना बजट एक डिसाइडेड बजट के अंदर बाइंग करना चाह रहे हो, तो हम मेरा ख्याल है कि मिनिमम प्राइस के अंदर पिसन 32, पिसन 22, पिसन 21, ये
250 स्क्वेयर यार्ड्स के मैं आपके साथ प्लॉट शेयर कर रहा हूँ कि अगर बहरिया टाउन कराची के अंदर कम से कम भी प्राइस हम देखते हैं 250 स्क्वेयर यार्ड्स की, तो वो हमें ये प्राइस रेंज देखने को मिल रही है। और मेरा ख्याल है आपको कोई भी बाइंग करनी हो तो आप हमारे दीगर स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स देंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।